भाई का भी आगमन हुआ है यहाँ पर, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। बहुत ही अच्छा क्रिकेट का आयोजन। सभी आयोजन नियोजन कमेटी के सदस्य, मुकाबला ऑन हो रहा है। छह ओवर का मुकाबला है। पहले ओवर की पहली गेंद, और गेंदबाजी के लिए आया है लालू। ओहो, पहले गेंद के ऊपर अपील। खेलना था काशी, गेंद जाती वाशी। कई और जगह पे खेलना था बल्लेबाज को, लेकिन ये क्रिकेट में हम हर बार देखते हैं कि खेलना था कई और जगह पे और गेंद कई और जगह पे। देखो ये मुकाबला फाइनल का ग्रैंड फिनाली है। बहुत ही अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। अगली गेंद फिर से एक बार लालू की। ओहो, देखो देखा बल्लेबाज, आप लेग की दिशा में खेलना चाहते हैं, हल्के हाथों से गेंदबाजी की, गेंद को थोड़ा सा नीचे रखा, और ये सही टेक्निक के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि यहाँ पर चांस नहीं लेंगे थोड़ा भी, बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं करेंगे। हल्के हाथों से फिर से एक बार। ओहो, ड्राइव ड्राइव ड्राइव, गलती होती हुई यहाँ पर देखिए, और दूसरे के लिए जाएंगे जाएंगे नहीं जाएंगे, हाना हाना के चक्कर में सिंगल यहाँ पर मिलती हुई। ड्राइव अच्छा लगाया था, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और तभी जाके कामयाबी मिलेगी। हर असफल इंसान सफल तभी होता है जब जीवन में संघर्ष करता है। बिना संघर्ष आपको यहाँ पर सफलता नहीं मिलेगी। हाफिज भाई थोड़े से नाराज जरूर है, उनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंची है, लेकिन प्रयास अच्छा था हाफिज भाई, अगले साल हम जरूर देखेंगे वापिस। आपकी बल्लेबाजी लेकिन कमाल की रही थी पिछले मैच में। हाफिज भाई जिन्होंने मुझे मौका दिया था वीआईए के ग्राउंड पर, जिनकी एक बड़ी टूर्नामेंट हुई थी। फिर से एक बार। ओ, उठा के खेला है गेंद, यहां पर जाती भी सिंगल मिलता हुआ, और अंपायर का डिसीजन, चौका 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 चार। देखो जोश देखो जेश देखो, दोनों तरफ आग बराबर लगी है। चार 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 और चार रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई यहां पर, पांच रन बने हैं, पांच मिलेंगे रन चार, तो हो जाएगा बेड़ा पार। किसका बेड़ा पार होगा यह आने वाला समय बताएगा। अच्छा मुकाबला। ओ यहां पर देखिए अगली गेंद सिंगल के साथ, रन संख्या छह रन, पहला ओवर इस समय लालू का। छह ओवर का क्रिकेट, छोटा क्रिकेट लेकिन बड़ा क्रिकेट, जितना छोटा है छोटा पैक बड़ा धमाका, वैसा क्रिकेट यहां पर देखने को मिलेगा। ईद कब और फाइनल का दिन, और ईद की खुशी अब दुगनी होने वाली है यहां पर। वो उठा के खेला इस बार गेंद हवा में, और विकेट का पतन। विकेट गिरता हुआ, अब संगीत तो नहीं है, नहीं तो मधुर संगीत भी आ जाता था विकेट के साथ, और विकेट गिरा हुआ है, और विकेट के साथ अब देखिए यहां पर दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। लालू ने अपनी उंगली की जादू दिखाई है, अब बल्लेबाज को अपने बल्ले की जादू दिखानी है। गेंद और बल्ले के साथ चढ़ा है रंग, क्रिकेट के संग हम हो गए शामिल, नए बल्लेबाज बाबू जो क्रिकेट के ऊपर बहुत प्यार करते हैं। और आज ये जो हम टूर्नामेंट देख रहे हैं, उस टूर्नामेंट में कमेटी के बहुत सदस्य, बड़े सदस्य हैं, इनकी मेहनत अब रंग लाई है। बाबू भाई आपको स्पेशल धन्यवाद दूंगा, आपने लगातार वापी जैसे क्षेत्र में हमें कमेंट्री करने का मौका दिया है, तहे दिल से हार्दिक स्वागत। वापी प्रीमियर लीग भी आने वाली है आने वाले समय में, उसकी भी चर्चा होगी। दिलीप भाई को धन्यवाद दूंगा, वापी प्रीमियर लीग के भी मुझे आमंत्रण किया हुआ है उन्होंने, और जैसे समय रहेगा वैसे हम दिन देंगे, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्त कार्यक्रम रहता है हमारा भी। अच्छा क्रिकेट, ओहो भन्नाट गेंद, भन्नाट गेंद, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज इरफान पठान जो भारतीय टीम के लिए खेले हैं, और लेफ्ट हैंडर गेंदबाज बहुत कामयाब हुए हैं, वसीम अकरम रहो या फिर हम चर्चा करते हैं उन खिलाड़ी की जिन्होंने लेफ्ट हैंडर गेंदबाजी काफी अच्छी तरह की है। इरफान पठान, यूसुफ पठान, हार्दिक और कुणाल पांड्या,
अगली गेंद फिर से एक बार पैर पे जाके गिरी है, सिंगल यहाँ पर मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये दुगना स्थिति है, करो या मरो की स्थिति है। एक ओवर का खेल हुआ है, दूसरा ओवर इस समय चालू है, रन नहीं बढ़ रहे लेकिन दबाव जरूर बढ़ा है। दबाव में कोई निखरेगा या दबाव में कोई बिखरेगा, ये मैच नहीं बिखरनी चाहिए, मैच निखरनी चाहिए, रन बनाने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष करोगे तो रन बनेंगे। छह रन, ओ गेंद नीचे रही, अच्छी गेंद। बबलू हमारे साथ जुड़े हैं स्कोरर की भूमिका में, बबलू को धन्यवाद दूंगा, कल के दिन में उन्होंने अच्छा काम किया है और दमन प्रीमियर लीग जहां पर बबलू हमारे साथ जुड़े थे, 3 से 4 दिन सपोर्ट किया, एक बड़ी प्रतियोगिता दमन प्रीमियर लीग, जिग्नेश भाई पटेल जिनके माध्यम से टूर्नामेंट को देखा हमने। ओ अच्छी गेंद थी, सम्मान सम्मान अतिथि भव, अच्छे का सम्मान करो, बुरे का अपमान करो, ये क्रिकेट की रणनीति है। हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, उसी तरह यहाँ पर सम्मान किया है। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करो और जब भी खराब गेंदें मिले उसको पर प्रहार करो, ये क्रिकेट की नीति है, क्रिकेट की रणनीति है। लेकिन अब देखो मुकाबला फंसा हुआ है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। ओ अच्छा गंता, ओ यहाँ पर देखिए कमाल की फील्डिंग, कवर के ऊपर खेलने का प्रयास बिल्कुल चुके, दबाव बना था, 4 डॉट आए, 5वें गेंद के ऊपर सफलता अर्जित की और बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। इस विकेट के बाद और दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। रन संख्या है 6 रन। इंडियन प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं, आईपीएल का मौसम चल रहा है, गुजरात की टीम हाल फिलहाल नंबर टॉप पे चल रही है, पिछले बार का खिताब भी उन्होंने जीता है, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुजरात के लिए और एक बड़ी टूर्नामेंट भी शायद पोरबंदर के आसपास हम देखते हैं रविंद्र जडेजा की। अच्छा क्रिकेट, अब दबाव है और देखो अब आए हैं यहाँ पर इमरान खान। इमरान खान वो खिलाड़ी है जो कृष्णा लक्ष्मण सातपुते को फॉलो करते हैं, उनके जैसा खेलना चाहते हैं, उनके जैसा कारनामा करना चाहते हैं, कभी कभार करते भी है जैसे हमने देखा है पिछले मैच में, लेकिन हर बार हर समय और हर क्रिकेट अलग होता है, समय के साथ दिन भी आपके साथ रहना जरूरी है। इमरान मैदान में आए हैं और इमरान आने के बाद रनों की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये भी एक बड़ी बात होगी। दबाव है इमरान के ऊपर, दबाव है लालू के यहाँ पर बाबू भाई के ऊपर। अच्छी गेंद, बॉलर का नाम क्या है, रईस, जिन्होंने पिछली बार मैन ऑफ द मैच लिया था, मतलब दिया था उनको लालू ने, व्हाइट रईस भाई जिनको टांडा से नाम से भी जाना जाता है, ये पेड नेम में उनको दिया गया है। कुछ खिलाड़ी होते हैं जिन्हों अलग नाम से भी जाना जाता है और वैसे है यहाँ पर रईस भाई। अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, फिर से एक बार ओहो डायरेक्ट हिट हो जाती थी तो घर का रास्ता नापना पड़ता था इमरान भाई को, भाग्यशाली रहे सौभाग्य रहे। 2 ओवर का खेल, रन संख्या बनी है 8 रन और विकेट गए हैं 2। 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है, मेरे साथ साथी कमेंटेटर तुकाराम मांगेला जिन्होंने अभी अभी एक बड़ी टूर्नामेंट खेली की है गोरेगांव में, प्रहार चषक आपने देखा होगा, उमर के टीम ने उस टूर्नामेंट को जीता है। उमर की टीम फिलहाल फॉर्म में चल रही है जिसमें उस्मान पटेल जैसा बल्लेबाज हम देखते हैं, 6 लाख रुपए की राशि इनामी राशि जीती है और रन संख्या यहाँ पर बनी है 2 ओवर के बाद 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में 6 रन थे लालू भाई और अब सिर्फ 2 रन आए, 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है, प्रतियोगिता का आखिरी और अंतिम दिन अंतिम क्षण, समय और बहुत ही ताकतवर होता है, समय के पहले और समय के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता है। समय जाएगा, टाइम लोगे, चर्चा करोगे तो खर्चा भी होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत भी उतनी शानदार होने वाली है। बहुत ही अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ, हौसला बढ़ेगा, घोसला बनेगा, घोसला बनेगा तो मैच बनेगी। इमरान के ऊपर दबाव रहेगा लेकिन इमरान को यहाँ से स्वाभाविक खेल करना पड़ेगा, आने वाली गेंदे 24 है, 24 से यहाँ पर कम से कम 30 से 35 रन बनाने पड़ेंगे। 2 ओवर का खेल पूरा होता हुआ और रन संख्या बनी है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर, पहली बार बल्लेबाजी करते भी है। एम के इंटरप्राइजेस इमरान अब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार।
इमरान जब बल्लेबाजी के लिए आते हैं हमेशा पॉजिटिव क्रिकेट खेले हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी को फॉलो करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, अगली गेंद इमरान के लिए, गेंदबाज है बसीर, ब्लॉकर गेंद थी, खेलने का प्रयास किया, यहां पर देखिए इमरान को एक रन मिलेगा, बहुत ही अच्छा खेल। इसीलिए कहते हैं जिंदगी में जो भी हासिल करना है समय पे हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौका कम धोखा ज्यादा देती है। रन संख्या यहां पर बनी है 9 रन। एक और खुशी की बात कुछ क्षणों में हम आपके साथ शेयर करेंगे, एक बड़ी टूर्नामेंट इसी मैदान में आने वाली है और कुछ ही क्षणों बाद हमें पता चलेगा कि वो टूर्नामेंट क्या होगी, उसकी रणनीति कैसे होगी, कितने महान खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में खेलने वाली है, कुछ ही क्षणों में हमें पता चलेगा, उसका अनाउंस हम यहाँ से करेंगे। अच्छी गेंदबाजी, टेनिस क्रिकेट विश्व का एक खूबसूरत मुकाबला इस समय चलता हुआ, कुमारशाला मैदान, वापी टाउन का ये मैदान, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ, और जिस तरह मैदान को बनाया है, डेवलप किया है, दिलीप भाई धन्यवाद दूंगा, बहुत ही अच्छा क्रिकेट यहाँ पर इस मैदान में देखने को मिलता हुआ। यहां से उठा के खेलने का प्रयास, गेंद हवा में है, खिलाड़ी मौजूद और गलती नहीं, देखो इसको बोलते हैं दबाव। बाबू भाई एक ऐसे खिलाड़ी है जो विकेट के ऊपर रहेंगे तो रन आ सकते थे, लेकिन दबाव में आदमी गलती कर बैठा है, यहां पर दबाव बढ़ता हुआ। रन से क्या बनी है 9 रन, 9 रन। नए बल्लेबाज मैदान में, हमारे बीच इजू शेठ भी यहाँ पर उपस्थित है। इजू शेठ भिलाड़ में एक बड़ी टूर्नामेंट एकता ट्रॉफी जिसमें टेनिस क्रिकेट विश्व के बड़े खिलाड़ी खेले हैं, एक बहुत ही ऐतिहासिक टूर्नामेंट। इजू भाई आपका भी हार्दिक स्वागत है। ये गेंद, ओहो यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ओहो रन, देखो देखो अंतिम क्षण में गेंद पैर से रुकाई है और व्हाइट का इशारा भी आया है, यहाँ पर 3 रन मिलते हुए। रन संख्या 12 रन और नए बल्लेबाज मैदान में आए यूसुफ। बहुत ही अच्छा क्रिकेट, रात्र का सत्र, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, क्रिकेट को खेल है, क्रिकेट को खेलना जरूरी है। अगली गेंद, ओ हो नीचे रही, नीचे रही, यही रणनीति है जो हम सुबह से देख रहे हैं, नीचे रही है। हम कह रहे थे कि गेंद यहां पर उछाल नहीं ले रही और वही देखने को मिलता हुआ, यहां पर संभल के खेलना पड़ेगा बल्लेबाज को, नजरे हटी दुर्घटना घटी, इस तरह क्रिकेट है ये। ओ अब देखिए बड़ा शॉट, बड़ा शॉट, कॉन्फिडेंस देखो बल्लेबाज का, 4 रन जरूर मिलते हुए, हर रन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा छोटे क्रिकेट के लिए। शालेय जीवन में हर मास का महत्व है, पॉलिटिक्स में हर वोट का महत्व है, क्रिकेट में हर रन का महत्व है, इसीलिए इसे लाइफ लाइन कहा गया है। मत भूलिए 2019 का वर्ल्ड कप का मुकाबला, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मुकाबला, और इंग्लैंड की टीम 1 रन से विश्व विजेता हो गई थी। एक एक रन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ओ अच्छी गेंद, 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है, रन से क्या बनी है 16 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर के बाद रन से क्या बनी है 16 रन, 16। आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है, 16 बने हैं, आने वाले 18 गेंदों में कम से कम 30 रन बनने चाहिए, तब जाके 46 हो गए, उससे कम हो गए
तो फिर गाड़ी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि फिर गेंदबाज को यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा। यदि आपने यहाँ से 30 रन बनाए तो फिर बल्लेबाज को संघर्ष करना पड़ेगा। गेंद और बल्ले के बीच में जुड़ी है ये रंग, रंग में बेरंग, और यहाँ पर कौन खिलाड़ी बनेगा शेर, ये भी दिखने वाली बात होगी। इमरान के पास वो क्षमता है, लेकिन इमरान के साथ वो दिन भी है क्या, देखना पड़ेगा। ओ देखिए देखिए, क्रॉस बल्ले से खेलने का प्रयास किया, लेग के दिशा में खेलना चाहते थे जो उनका फेवरेट शॉट है, लेकिन इस बार देखिए गेंदबाज ने थोड़ी नीचे रखी। और सबसे बड़ी यहाँ पर परेशानी वाली वो बात है ना बल्लेबाज के लिए, कि गेंद उछाल नहीं ले रही है, टिप्पा खाने के बाद नीचे ही रह रही है, और ये सबसे बड़ी यहाँ पर परेशानी है। और परेशानी का हल आपको जल्दी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप परेशान होगे आपकी टीम को लिए नुकसान है। सोलह रन, अगली गेंद शॉर्ट पिस्ते फिर से लेग की तरफ खेलना चाहते थे, फाइनल की दिशा में गेंद जब तक जाए सिंगल यहां पर पूरा होता है, रन सके 17 रन। अब रनों को देखिए थोड़ा सा यहां पर दबाव में डाला है, 17 रन से बने हैं। फील्ड की तरफ देखते हैं, एक फाइन लेग है, और यहां पर देखिए पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी है, और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी है, मिड ऑफ मिड ऑन और मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी है। इस तरह की फील्ड सजाई गई है इमरान के लिए स्पेशली। अगली गेंद, ब्लॉकर गेंद थी, उठा के खेला, इस बार नहीं रुका पाएंगे, और सही समय पे आता हुआ बेहतरीन चौका, चार 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 चौका 21। बहुत ही खूबसूरत तरीके से चलता हुआ ये मुकाबला, अब कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुकाबला अभी भी ऑन है। 50-50 चांसेस दोनों टीमों के लिए है, यहां से जो बेहतर प्रदर्शन करेगा वही ईद कप 2023 का चैंपियन बनेगा। ओ फिर से एक बार नीचे रही, नीचे रही, बार बार परेशानी करने वाली चीज एक ही रही है कि गेंद यहां पर टिप्पा करने के बाद नीचे रहती है, उछाल नहीं ले रही है, और दिक्कतें आ रही है यहां पर बल्लेबाज को बल्लेबाजी करते समय, और दिक्कतें दूसरे टाइम में भी आएगी, ऐसे नहीं कि एक ही टाइम में आएगी। ये विकेट दोनों के लिए उसी तरह रहेगा जिस तरह अभी चल रहा है। अंतिम क्षण और अंतिम मुकाबला, मेगा फाइनल। ओहो हो, यहां पर देखिए विकेट गिरता हुआ और विकेट के बाद दबाव बढ़ता हुआ, रन संख्या 20। 20 रन यहां पर बनते हुए चौथा ओवर इस समय प्रगति पर है। आज का फाइनल का दिन, फाइनल का मुकाबला हम देख रहे हैं, वापी मुस्लिम समाज प्रीमियर लीग का आज का अंतिम क्षण, और ईद कप हम देख रहे हैं। ईद की खुशी दुगना बनाने का प्रयास जरूर इस टूर्नामेंट के द्वारा किया गया है, और हमारे सभी मुस्लिम भाई को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए, और बहुत अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। चौथा ओवर इस समय प्रगति पर है, रनों की संख्या हम देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर बड़ी नहीं है, 21 रन अब बने हुए है, और ओहो हो यहाँ पर फिर से वही गलती, पहले गेंद के ऊपर प्रहार करना चाहते थे, क्लीन बोल्ड यहाँ पर मुसीबत आती हुई, फर्नीचर बिखरता हुआ, सपना टूटता हुआ, और यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, रन संख्या 21। चार ओवर का खेल हुआ है, रन संख्या है 21 रन। गणेश शावटे को हम देखेंगे जल्दी ही, और चार ओवर जरूर पूरा हुआ है, चार ओवर के बाद रन संख्या बनी 21 रन 21। एक बड़ी टूर्नामेंट का आगाज होने वाला है इसी मैदान पे, कुछ ही क्षणों बाद उसका अनाउंस किया जाएगा। टेनिस क्रिकेट विश्व के सब दिग्गज खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, और वापी के इस तमाम दर्शकों को एक अच्छा टूर्नामेंट और देखने का मौका आएगा। समय अभी निकलते जा रहा है क्योंकि बारिश का समय नज़दीक आ रहा है, लेकिन आज इंडिया ऐसी कंट्री बनी है जहाँ बारिश भी कभी भी गिर रहा है, लेकिन अभी भी देखो बादल में, अब आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं होगी क्योंकि मुकाबला ऑन है। 21 रन, पांचवा ओवर इस समय प्रगति पर है, इमरान। ओहो हो, जगह से खेलने का प्रयास किया, अच्छी गेंद, गेंदबाज रईस,
बासित, इमरान आपको थोड़ा सा आपके घेर को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी मैच फंसी हुई है, एक दो बड़े शॉट आ जाते हैं। ओहो, खेलने का प्रयास जरूर किया हुआ, सिंगल की तरफ जाएंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं, सिंगल के साथ काम बनेगा और सिंगल के साथ रन यहाँ पर बनते हुए 22-22। आने वाली गेंदें अब बची है, यहाँ से 5 ओवर चालू है, मतलब लगभग अभी भी 10 गेंदों का खेल बाकी है। इस 10 गेंदों में 20, 25, 30 कितने जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। ओहो, ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार दिशा से भटके, अनुशासन भरी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन अंतिम क्षण में ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर गेंद जाती हुई। और गेंदबाज के लिए यही है कि भाई आप आपके अनुशासन भरी गेंदबाजी करोगे, बुद्धिमानी के साथ गेंदबाजी करोगे तो बल्लेबाज को परेशानी जरूर आएगी, आपने गलती कर दी तो बल्लेबाज हावी हो जाएगा। इस बार फिर से एक बार वही गलती दोहराते हुए अंपायर हमारे तरफ मुड़ेंगे, सिंगल यहां पर आता हुआ, सिंगल के साथ रन संख्या अब बढ़ती हुई 24। बूंद बूंद से खागर सागर, बूंद बूंद से यहां पर हम देखेंगे तो सागर बनता है और यही बूंदी बूंदी गेंदे एक एक रन यहां पर आपको आगे लेके चलेगी, ये आपकी लाइफ लाइन है। क्रिकेट के परिभाषा को हम देखते हैं तो क्रिकेट में हर रन का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब आप एक रन से मुकाबला हारते हो। यहाँ पर फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी, इस बार आप देखिए थोड़ा सा अंदर जरूर लाया गेंद को, बल्लेबाज भी देखो थोड़ा परेशानी में है, उसको ऐसा लगा कि इस बार भी वाइट मिलेगा लेकिन हर बार वाइट नहीं मिल सकता, आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। 5 ओवर इस समय प्रगति पर है, फाइनल का मुकाबला हम देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट का आगाज। फुल टॉस गेंद, इस बार सीधा खेला है, सीधे बल्ले से खेला है, बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया है और बहुत ही अच्छा स्ट्रेट ड्राइव, 4 रन। इस ड्राइव की जरूरत थी, वो ड्राइव यहां पर आता हुआ, भले लेट आया देर आया लेकिन दुरुस्त आया, 4 रन जरूर दिया है, 4 रनों के साथ रन संख्या यहां पर बढ़ती हुई 28-28। आखिरी गेंद अभी भी बाकी, 2 गेंदों का अभी भी खेल बाकी है इस ओवर का। ओहो, बड़ा प्रयास करने का जरूर यहाँ पर मंसूबा बनाया था बल्लेबाज ने लेकिन शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़े पीछे गए और यहाँ पर देखो आपकी रीढ़ की हड्डी जो थे, पहले 3-4 बल्लेबाज आउट हुए, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको थोड़ा सा तोड़ दिया है, बाबू भाई का जल्दी आउट होना, उसके बाद निरंतर विकेट गिरना, ये बहुत स्वाभाविक है क्रिकेट में। ये गेंद उठा के खेला गया हवा में और यहाँ गलती नहीं होगी, विकेट गिरता हुआ फिर से एक बार और है 5 ओवर के बाद रन संख्या अब देखेंगे तो बनी है 28 रन, 28 रन अब बने हैं और आखिरी अभी 6 गेंदों का खेल बाकी है, यहाँ से 6 में कितने आएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। क्रिकेट का खेल है इसीलिए कहते हैं क्रिकेट का खेल, और आदमी का समय बदलने में टाइम नहीं लगता है, ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत भी उतनी शानदार होने वाली है क्योंकि दोनों टीमें यहाँ पर संघर्ष करके आई है। थोड़ा सा जल्दबाजी करना है, प्लीज रिक्वेस्ट है हमारे इमरान, यदि हैट्रिक 6 लगाते हैं तो 2000 रुपए का इनाम है। हाँ, नॉन स्ट्राइक एंड के लिए यूसुफ है, यूसुफ, अरे इमरान है ना, हाँ यूसुफ भाई, यदि नॉन स्ट्राइक एंड पे जो खिलाड़ी है यदि 3 छक्के लगाते हैं तो उनके लिए 2000 रुपए का इनाम है दिलीप भाई की तरफ से, लेकिन उनको स्ट्राइक मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी नॉन स्ट्राइक एंड पे है, तो इमरान के ऊपर है कि स्ट्राइक देना है नहीं देना है, अब कैसे खेलना है। आने वाली 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। ओ, ब्लॉकल गेंद, सीधा खेला है, बल्ले का सीधा फेस ओपन किया है और भाई यूसुफ भाई को स्ट्राइक दिया है। सबसे बड़ी बात कि अभी मौका है 2000 रुपए जीतने का, 2000, यहां पर 2000 जीतने का मौका है। रात का 17 बैंक बंद है लेकिन एटीएम ओपन है। यूसुफ भाई के लिए लगातार 3 छक्के के लिए 2000 रुपए का इनाम हमारे कॉर्पोरेटर दिलीप भाई की तरफ से है।
और देखना होगा अब छक्के लगाते हैं नहीं, आपको युवराज सिंह जैसे बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यहां पर। ट्वेंटी नाइन, यहां से लगभग 10 से 15 रन बनाने पड़ेंगे। ओहो मिस कर दिया, मिस कर दिया। अब गेंदे बचे सिर्फ 3, रन संख्या है 29। देखो फाइनल का मुकाबला है, यहां पर आप 35 तक भी पहुंचते हो तो भी मुकाबला आसान नहीं है, रात के सत्र में पीछा करना है। सिंगल की तरफ जाएंगे, एक ही रन मिलेगा। अब आने वाली गेंदे हम देखेंगे, 2 रन, रन संख्या बनी है यहां पर 30 रन। और आने वाली गेंदे फाइनल के इस मुकाबले के पहले इनिंग के आखिरी 2 गेंदे बाकी है, 30 रन बने हैं और आने वाले 2 गेंदों में एक छक्का लगता है या नहीं लगता है इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। वो उठा के खेलने का प्रयास इस बार, देखो खिलाड़ी मौजूद नहीं है, सिंगल पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ेंगे। और हो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे इमरान भाई, नहीं, यहां पर एक ही रन। इनिंग की आखिरी गेंद अब आनी बाकी। फिर से एक बार आए हुए तमाम दर्शकों का, तमाम खिलाड़ियों का, तमाम मेहमानों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं यहाँ पर वापी मुस्लिम समाज प्रीमियर लीग का दूसरा सेशन ईद कब हम देख रहे हैं, और बहुत ही बड़ा आगाज इस टूर्नामेंट का हम देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ वापी प्रीमियर लीग आने वाले समय में हम देखेंगे, उसके पीछे एक और बड़ी मुकाबला यहाँ पर देखेंगे हम लोग। ओहो यहाँ पर देखिए इनिंग खत्म होती हुई, और इनिंग के बाद रन संख्या हम देखेंगे तो रन संख्या बनी है यहाँ पर। और फाइनल के इस मुकाबले में मैच जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है, 32 रन, जो 32 रन बनाएगा वही चैंपियन कहलाएगा। और मेरे साथ फिर से एक बार तुकाराम मांगेला, यहां पर किस तरह से अनुमान लगा रहे हो आप जिस तरह का रन बनाए? बिल्कुल विजय जी, चर्चा तो काफी करेंगे, लीग स्टेज पे इन्हीं दोनों टीम के बीच में भिड़ंत देखी थी जहां 36 रन नहीं बनाने दिए थे टीम मीर स्ट्राइकर के इस टीम ने। देखते हैं अब फाइनल के मुकाबले में 32 रन का पीछा किस तरह कर पाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, धुन सुनते हैं, और फिर वह एक बार फाइनल के इस फाइनल इनिंग की तरफ वापस आते हैं। डीजे वापी मुस्लिम समाज का प्रीमियर लीग सीजन 2 का यह घमासान ईद कप 2023 का शानदार आयोजन हम कल से देख रहे हैं। इस पूरी टूर्नामेंट का कर्ता धर्ता दिलीप भाई यादव जी, वसीम भाई भोगा जी और पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम पूरी जोर शोर से तैयारी की थी। और अब इस पूरी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जब खेला जा रहा है तो थोड़ी देर का पता चलेगा कि कौन इस चमचमते ट्रॉफी को हाथ लगाता है। इस टूर्नामेंट के लिए जो ट्रॉफी स्पॉन्सर्स बिल्कुल इजू भाई जो मंच पे फिलहाल विराजमान है उनके द्वारा ट्रॉफीज स्पॉन्सर की गई है। मैन ऑफ द सीरीज के लिए खास मंडी भाई टक्कर इनके द्वारा है, दूसरी तरफ बेस्ट फील्डर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन इनके लिए भी कूलर से, गर्मी का मौसम है बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल जैसा मौसम हो जाए इसीलिए उनके लिए कूलर। देखते हैं इसके हकदार कौन हो पाते हैं। ये पुरस्कार तो काफी है, इनाम अनेक है, लेकिन आपको नेक यह खेल भी दिखाना होगा। दोनों के बीच का यह घमासान है, एक तरफ मीर स्ट्राइकर की टीम है, दूसरी तरफ एमके एंटरप्राइजेस की ये टीम है। 32 का पीछा उतरे करने टीम खास करके नजरे होंगी बल्लेबाज लालू इनके ऊपर, काफी अच्छा प्रदर्शन पूरी टूर्नामेंट में लालू इनका रहा है। दूसरी तरफ साजिद भाई है जो बाबू भाई है, इन्होंने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की है, तो ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। एक तरफ अच्छा गेंदबाज, दूसरी तरफ एक बढ़िया बल्लेबाज। पहली गेंद को रिवर्स के अंदाज में खेलना चाहते थे, लीग स्टेज के मुकाबले में बिल्कुल एक करारी हार या एमके एंटरप्राइजेस को हार का सामना करना पड़ता था, पड़ा था उसी हार की फिर एक बार होगी या एमके एंटरप्राइजेस उस हार का बदला लेने मैदान के लिए बिल्कुल उतरना
जाएंगी। मौका बिल्कुल सबको मिला है, सबको मिला है और इस मौके को आपको भुनाना है। उस मुकाबले में काफी कुछ गलतियां एमके एंटरप्राइजेस से हुई थी, उस गलतियों को सुधार के टीम फाइनल तक यहां पहुंची है। तीन लगातार उसी अंदाज में खेलने की कोशिश वहां ललू द्वारा करते हुए अच्छी गेंदबाजी यहाँ बाबू भाई ने साजिशेक यह दिखाते हुए अपना एक्सपीरियंस यहाँ उन्हें दिखाना होगा। काफी मेहनत की इस टूर्नामेंट को सजाने में और अब टूर्नामेंट को जीतने के लिए भी मेहनत आपको करनी होगी। पटकी हुई गेंद, गेंद को खेला है इसको लेके खिलाड़ी नहीं समझ पाए, गेंद नहीं, गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन। पता चलने वाला है थोड़ी देर के बाद, पता चलने वाला है वो मीर स्ट्राइकर है या एमके एंटरप्राइजेस है, कौन है वो शेर। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश थी, ऑफ साइड पे 1 रन लेने का मौका, थोड़ा सा पुष्कर और खुश वाला खेल यहां दिखाते हुए। सेंसिबल क्रिकेट आपको खेलना होगा, जब आपको 32 रनों का पीछा करना है, अपने पहले ओवर में एक बाउंड्री हासिल की है, तब आपको बिल्कुल जैसे दिखाया लालू ने कि अब हमें सेंसिबल भी खेलना है। जो बड़ा स्ट्रोक हमें लगाना था वो बड़ा स्ट्रोक आया, जो जिस औसत से हमको बल्लेबाजी करनी है उस औसत से बल्लेबाजी करने के लिए जो बाउंड्री पहले ओवर में अब तक आई है। शौकत स्ट्राइक के रेन पे शौकत है, पहले ओवर का खेल यहाँ जारी है और विकेट ही, मतलब अगर यहाँ एमके एंटरप्राइजेस को इस मुकाबले में अगर वापिस आना है तो विकेट ही आपको वापिस ला सकती है। विकेट, गेंद को खेला है मिड ऑफ, खिलाड़ी है गेंद के बीच तक गए लेकिन दो हाथ से कलेक्ट करने की कोशिश, तब तक दोनों खिलाड़ी ने 1 रन पूरा कर लिया। पहले ओवर का खेल यह समाप्त होते हुए पहले ओवर के बाद रन बने हैं 6-32 का पीछा करनी टीम उतरी है मीर स्ट्राइकर की टीम। यहां भी अब 30 गेंदों का खेल यहां शेष, अब 26 रन और यहां बनाने हैं। पिछले 2 दिनों में काफी अच्छा क्रिकेट और जय गुजरात नेटवर्क के द्वारा ये पूरी टूर्नामेंट आप यूट्यूब पे घर देखे बिल्कुल क्लीन एंड नीट टेलीकास्ट जय गुजरात नेटवर्क ने भी दिखाया है। दूसरे ओवर के लिए गेंदबाज इमरान घूम के खेलना चाहते थे, गेंद को जल्दी खेल गए, गेंद थोड़ी सी छोटी गेंद करने की कोशिश इमरान ने की थी, थोड़ा सा दूर करने की कोशिश, इसलिए हमने कहा था कि आपको विकेट ही आपको इस मैच में लेके आ सकते हैं, आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। जैसे केबीसी खेलते हो, कौन बनेगा करोड़पति खेलते हो, वहां पे आपके पास ABCD 4 ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास उतने ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन है विकेट विकेट एंड विकेट विकेट विकेट। बिल्कुल सर पे हाथ इसी ले गए बाबू भाई के, ये मौका था, ये हाफ चांसेस है, हाफ चांसेस को आपको कन्वर्ट करने है, इस तरह के मौके को आपको बुनाना होगा, इस तरह के चांसेस को आपको लपकना होगा, इस तरह के कैच को आपको लेना होगा, तब आप इस मैच में वापसी कर पाते हैं। तो दूसरी तरफ एक्सपीरियंस बिल्कुल लालू भाई भी दिखाते हुए कि थोड़ी सी चर्चा शौकत और लालू इन्होंने भी हुई है कि किस तरह से खेलना है। फुल टॉस गेंद, गेंद को खेलना चाहते थे, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी है वहां, तब तक 1 रन लेने का मौका, वाइड बॉल का इशारा, बिल्कुल ये तो वही बात हुई, एक तो स्कोरबोर्ड पे उतने रन नहीं बने हैं, ये तो आमदनी अटनी और खर्चा रुपये वाली बात होगी, जब रन ज्यादा नहीं बने हैं तो आपको अनुशासन वाली गेंदबाजी आपको करनी थी, वहां पे इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो कैसे जीत पाएंगे। और इमरान जिनके पास अनुभव है, अब उस अनुभव को आपको दिखाना है, जैसे विजय जी ने कहा था ना, अगर यहाँ आप मौका चूक गए तो 1 साल बड़ा इंतजार आपको करना होगा इस ट्रॉफी को हासिल करने में। अंदरूनी किनारा बल्ले का गेंद शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी के पास जाती हुई, 1-1 रन से स्कोरबोर्ड आगे चलता हुआ, बल्लेबाजी करने वाली टीम तो चाहती है 1-1 रन से स्कोरबोर्ड आगे चले और स्कोर जा पहुंचा है यहाँ 9 रन। 32 का पीछा करने उतरी टीम मीर
स्ट्राइकर की टीम लेग स्टंप के बाहर बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, फ्लिक करना चाहते थे, तब तक घुमाव वाली गेंद यहाँ इमरान द्वारा करते हुए एक एक डॉट बॉल। यहाँ थोड़ा सा प्रेशर तो बिल्कुल करेगा, डॉट बॉल में थोड़ा सा दबाव बनेगा, लेकिन विकेट में वो दबाव और बढ़ेगा। पर क्योंकि गेंद को खेला है, गैप में खेला है, बिल्कुल सूझबूझ भरे वाली बल्लेबाजी, गैप में खेला है, टाइमिंग प्लेसमेंट परफेक्ट, गेंद बॉल लेंगे के बाहर, 4 रन। खेला है गैप में, गेंद को खेला है शौकत ने, नजाकत भरा वाला ये स्ट्रोक, 4 रन। बैट स्विंग जोरदार था, यहाँ गलती करते हुए विकेट कीपर पीछे गेंद जाती हुई, तब तक 22 का इशारा अंपायर से आता हुआ, 1 रन फिर एक बार खाते में जुड़ता हुआ, स्कोर जो पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14। 32 का पीछा करने उतरी टीम है, 24 गेंदों का यहाँ खेल, यहाँ शेष 18 रन की और दरकार होगी। पिछले 2 दिनों में जो 8 टीम खेली है, 8 टीमों में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, उसमें से 4 टीम जो क्वालिफाई होकर सेमीफाइनल खेली थी, और उसमें से 2 टीमों ने उस सेमीफाइनल के मुकाबले में अच्छा खेल दिखा के यहाँ फाइनल में प्रवेश किया है, और अब वही वो ट्रॉफीज के लिए लड़ाई चालू है। ईद कप 2023 का विजेता कौन होगा, कौन होगा वो चैंपियन, क्या वो मीरा स्ट्राइकर होंगे या MK इंटरप्राइजेस होंगे। खेलने की कोशिश थी गेंद लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, बिल्कुल चैंपियन जो एक सपना देखने वाला रहता है, चैंपियन लाइक अ ड्रीमर, एक सपना देखने वाला रहता है वो, नेवर नेवर गिव अप, जो कभी हार नहीं मानता, उस तरह से खेल खेलनी होगी आपको, कभी हार ना मानने वाली, नेवर गिव अप, बिल्कुल बाबू भाई वही चाहते है, चैंपियन खिलाड़ी है जानते है, नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ लालू भी है चैंपियन खिलाड़ी, 2 चैंपियन खिलाड़ियों के बीच में ये घमासान मैदान के अंदर चालू है, और उस लड़ाई को देखने दर्शक भी भारी संख्या में मैदान की तरफ आए हुए हैं। बिल्कुल 2 चैंपियन के बीच की लड़ाई है, 2 चैंपियन खिलाड़ियों के बीच में ये मुकाबला है, ये सुपर हिट मुकाबला है, एक तरफ साजिद भाई यानी बाबू भाई है, दूसरे तरफ लालू है, 2 चैंपियन खिलाड़ियों के बीच में यह घमासान, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई, दोनों तरफ पुरजोर कोशिश कर रही है, हर गेम को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे हैं जी जान लगा रहे हैं दोनों तरफ खिलाड़ी, जी खिलाड़ी जी जान लगा रहे हैं, और ये आउट, बड़ा विकेट, सेलिब्रेशन देखिए बाबू भाई का, जानते हैं बड़ी मज़ा, तरह से बाबू भाई ने गेंदबाजी की थी, एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, बड़ा विकेट, बिग विकेट, एड में तो दिखाते हैं जोर का झटका धीरे से लगता है, लेकिन यहाँ तो जोर का झटका बिल्कुल जोर से लगा है, क्या ये विकेट मैच में फिर एक बार वापसी कर पाएंगे MK इंटरप्राइजेस की टीम, कोशिश तो जोरदार जारी है। नए बल्लेबाज यहाँ रईस, पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी रईस ने की थी, बिल्कुल, और जब इसीलिए लालू ने कहा था कभी जो मैन ऑफ द मैच के और एक अकदार रईस बने थे। आड़े बल्ले से गेंद को खेला है, गैप में खेला है खिलाड़ी, वहां तेजी से आते हुए गेंद की तरफ आते हुए 1 रन लेने का मौका, अब तक इस ओवर में सिर्फ 1 रन आया है, 2 रन आया है अब तक, रन संख्या जा पहुंची 16। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद होगी, रन संख्या जा पहुंची 16, और 16 रन आपको बनाने हैं। ये मुकाबला इतना आसान नहीं, जिंदगी जीने के लिए भी लड़ना पड़ता है, लेकिन उसको आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है, ऐसा है मुकाबला है। मैंने चैंपियन का जिक्र किया, बिल्कुल चैंपियन तब रुकते हैं ना जब वो जीतते हैं, ये नहीं रुकेंगे।
स्टंप के बाहर की गेंद थी। तीन ओवर का खेल यहां समाप्त होते हुए, तीन ओवर में बनाए 16 रन और तीन ओवर में और बनाने हैं 16 रन। बिल्कुल डीजे है रेडी, एक धुन सुनेंगे और फिर एक बार 18 गेंदे और 16 के इस मैच में वापिस आएंगे। मैं चाहती है इस ट्रॉफी को, चमचमते ट्रॉफी को हासिल करना, दोनों टीमों चाहती है। बिल्कुल वहां से तो आवाज आई है कि कौन जीतेगा, वहा खूब फॉलोअर्स वहां मीर स्ट्राइकर के भी है, एक तरफ काफी सारे दर्शक जो फॉलो करते हैं एमके एंटरप्राइजेस को वो भी काफी है, लेकिन वो दोनों फॉलोअर्स से फिलहाल शांत बैठे है, शांत बैठे है। अभी कोई जल्लोश नहीं है, अभी कोई सेलिब्रेशन नहीं है, जानते हैं जब तक ना जीत पाए तब तक का सेलिब्रेशन नहीं करना है। गेंदबाज शकीब की गेंद थी अंदरूनी किनारा, गेंद जब तक फील कर पाते। शब्बीर आज के दिन का जो पहला मुकाबला जब देखा था, गेम चेंजर खिलाड़ी देखे थे शब्बीर, अच्छी गेंदबाजी शब्बीर इन्होंने की थी और यही काम ना करेंगे इस तरह से गेंदबाजी करे। दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने वाले टीम मीर शौकत है, दूसरी तरफ रईस भी है, जानते हैं वो भी जानते हैं किस तरह से बल्लेबाजी करी, एक एक डॉट बॉल एक एक बिंदी गिंदी यहां इवेंट की तरह होगी, इवेंट की तरह यहां से एक एक बिंदी गिंदी आएगी तब दबाव बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर यहां बढ़ता हुआ, दबाव यहां मैच में बढ़ता हुआ। रन संख्या जा पहुंची है 17-32 का पीछा करने उतरी टीम, गेंद को उड़ाया है हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे ले लिया, क्या है दबाव जब बढ़ रहा दबाव और दबाव में यहां शौकत आउटों के बाहर। तो आईपीएल की धूम थी लेकिन यहाँ वापी मुस्लिम समाज प्रीमियर लीग की धुन पिछले दो दिनों से सुनाई दे रही है और अब ये मुकाबला, इसीलिए मैंने कहा था कि क्रिकेट का खेल एक जंगल है तो जंगल का शेर कौन है इसका पता अब चलने वाला है, क्योंकि आखिरी के अभी कुछ गेंदे बाकी है और 15 रन यहाँ बनाने हैं। पंद्रह गेंदों का खेल यहाँ शेष है, 15 रनों की और आवश्यकता होगी। नए बल्लेबाज आते हुए बल्लेबाज शाहिद स्ट्राइकर इन पे बल्लेबाज, 15 गेंदों में यहां 15 रन बनाने हैं। शब्बीर फ्लिक करने की कोशिश, गेंद जा रही है विश करने के किनारे, तब तक खिलाड़ी आएंगे एक रन लेने का मौका, दोनों थोड़े से अब थोड़ा सा टेंशन में, जैसे कहते हैं ना कि जब दूध पीने से मुंह थोड़ा सा जलता है ना तो आदमी छाछ भी फूक फूक के पीता है, ऐसा ही मैच चल रहा है, ऐसा ही मैच चल रहा है, दोनों तरफ से फूक फूक के छाछ पीने की कोशिश की जा रही है। मीर स्ट्राइकर एमके एंटरप्राइजेस नीचे रहती हुई गेंद, गेंद बिल्कुल नीचे रही है, अच्छी गेंदबाजी, शब्बीर ने इस मैच में जान डाली है, कंपल्सरी चेस है, फाइनल का मुकाबला है, 32 रनों का पीछा आपको करना है, 32 रनों का पीछा, क्लीन बॉल शब्बीर, बिल्कुल सेलिब्रेशन बन रहा है शब्बीर के लिए, क्लीन बॉल गॉन। सिचुएशन थोड़ी सी क्रूशियल, सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर और ऐसे मैच में जान डाल दे रहे हैं शब्बीर, बिल्कुल शब्बीर ने फिर एक बार वापसी कर दी, ये कमबैक है, वेलकम बैक है या फाइट बैक है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। समीकरण की तरफ चलते हैं, समीकरण अब कैसे बना है, अब यहां से 12 गेंदे शेष है और 14 रन की और आवश्यकता है,
ओ इसी में से मानुभाव मंसूर भाई नवेल्टी वाले इनका भी शुभागमन हुआ है, इनका भी इस ईद कप 2023 में स्वागत है, हार्दिक स्वागत सर आपका। और इस फाइनल के मुकाबले में जहां अब 12 गेंदों में 14 रन बनाने हैं, कमेंट्री बॉक्स में फिर एक बार हमसे जुड़ेंगे विजय भाई। धन्यवाद। अब 12 गेंदे और इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने हैं 14 रन। फिर से एक बार गाड़ी वहां पर ही जाके रुकी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय बताएगा। इमरान के ऊपर अब जिम्मेदारी होगी। अगेन इस तरह की गेंदें आप डालोगे तो तकलीफ आएगी। अब यहां पर देखिए तकलीफें बढ़ती हुई इमरान को अब अनुशासन भरी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। अभी 12 गेंदे और 13 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओ फुल टॉस गेंदी, फुल टॉस गेंदी, सिंगल लिया है, सिंगल लिया है, डबल के लिए जाएंगे, दौड़ेंगे, भाग मिलकर भाग की कहानी नहीं, नहीं सिंगल पे 11 गेंदे और 12 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस ओवर में यदि 3 या 4 रन निकलते हैं तो दबाव जरूर रहेगा। ओ नीचे रही थी गेंद लेकिन काफी अच्छा यहाँ पर कम बैक करते हुए मिड विकेट के रीजन में सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत भी उतनी शानदार होने वाली है। काटो भरा मुकाबला, ईट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ला से, प्रश्न का जवाब उत्तर से और इमरान का जवाब अब बल्लेबाज कैसे देगा ये भी देखने वाली बात होगी। ये गेंद काफी खराब, काफी खराब। टिप्पा खाने के बाद देखो बाबू भाई नाराज, नर्वस, इससे आपका मनोबल टूटता है, आपकी टीम टूटती है। एक एक गेंदे बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटी सोच और पैर में मोच आदमी को आगे जाने नहीं देती। ये गेंद अच्छी थी। टिप्पा खाने के बाद बाबू भाई के हाथ में जाती हुई, इस बार परिवर्तन करते हुए अब बनाने हैं यहाँ पर 9 में 10। ये 9-10 की लोकल नहीं है, 9-10 की शटल नहीं है, 9-10 की ट्रेन नहीं है, ये आपके टीम का, ये मैच का समीकरण है। 9 गेंदे 10 रनों की जरूरत। आगे आगे खेलने का प्रयास, सिंगल यहां पर, हो बढ़िया फील्डिंग, बेहतरीन बेहतरीन फील्डिंग यहां पर। 8 गेंदे 9 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। जो जीता वही सिकंदर कहलाया जाएगा। कभी खुशी कभी गम वाला मुकाबला, नायक नहीं खलनायक वाला मुकाबला। यहां पर देखना होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला इस समय चलता हुआ वापी के इस कुमार शाला मैदान में। फुल टॉस गेंद, यहां गलती कर बैठे, यहां गलती कर बैठेंगे। ओहो, और गलती का फायदा उठाया। ओहो भी है कि भाई ये इस तरह की एक बार जरूर गेंद डालते हैं 6 गेंदों में, जिसका इंतजार बल्लेबाज कर रहा था और 11 मुल्की की पुलिस भी कर रही थी। वो गेंद यहां पर इमरान के हाथ से निकलती हुई। अब 3 रनों की जरूरत इस फाइनल के मुकाबले को जीतने के लिए। जीत के कगार पर खड़ी है बल्लेबाजी करने वाली टीम और अब इमरान के ऊपर दबाव रहेगा। 3 रनों की जरूरत। ओ अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, कम बैक करते हुए 6 गेंदे और 3 रनों की जरूरत। फिर से एक बार हम चलेंगे तुकाराम मांगेला के इधर। बिल्कुल विजय जी, और जिस तरह से स्ट्रोक लगाया है बल्लेबाज ने, प्रेशर अंडर प्रेशर काफी अच्छा स्ट्रोक यह लगाते हुए। अब फाइनल के मुकाबले की 6 गेंदे बाकी है, 3 रनों की और आवश्यकता है। या 3 रन बनेंगे या 3 रन डिफेंड किए जाएंगे, यही है। एक डगआउट बिल्कुल सेलिब्रेशन के लिए रेडी है, दूसरा डगआउट थोड़ा सा टेंशन वाला है, लेकिन तालियां वहां से भी आनी चाहिए। दोनों डगआउट से जब ताली आएंगी तब खेलने वाले का थोड़ा सा मजा आएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि आवाज ऐसे दो कि सोए को होश आ जाए, और ताली ऐसे बजाओ ना कि खेलने वाले को जोश आ जाए। खेलने वाले को जोश आना चाहिए कि मैच कैसी भी हो, मुकाबला कैसा भी हो, अगर आपके सपोर्टर है, आपके फैन फॉलोअर से वहां से ताली आती है तो मैच में कुछ भी हो सकता है। मैच यहां समाप्त नहीं हुआ है, 6 में 3 बनाने हैं।
छह गेंदों में तीन यहां बनाने हैं और ये आखिरी ओवर लेके गेंदबाज आए हैं मुन्ना। मुन्ना आखिरी छह गेंदों का खेल शेष है, तीन रनों की आवश्यकता है। यहां से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन नंबर वन पोजीशन पे जाएगा। पहली गेंद अब सर पे आद गए हैं बल्लेबाज के कि मौका उन्होंने मिस किया। फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस को लॉस किया है। इसीलिए हम कहते हैं ना क्रिकेट का ऐसा खेल है ना, जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से क्रिकेट चालू होती है। अब नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब तक मैच ऑन है, मैच ऑन है, टीवी ऑन रखी है। इस मुकाबले में अब कुछ भी हो सकता है। यहां या तो एमके जीत सकती है या मीर स्ट्राइकर जीत सकती है। कंपल्सरी चेसे तीन रन आपको बनाने हैं। पांच गेंदों का खेल या शेष है। गेंदबाज रेडी होते हुए गेंदबाज ओ, 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 ओ ताली आई है। एक डगआउट से ताली आई है, दूसरे डगआउट से भी ताली आती है क्या। लेकिन दर्शकों एक बार जोरदार ताली। ईद कप 2023 के लिए शानदार आयोजन, जानदार आयोजन ईद कप 2023 का। और ये सुपर हिट मुकाबला, फाइनल का मुकाबला, आखिरी मुकाबला हो रहा। आखिरी मुकाबले का खेल। अब चार गेंदे, चार गेंदे, तीन रन। फील्डिंग की सजावट देखते हैं। एक शॉट पर थर्ड मैन है, पॉइंट है, शॉट एक्स्ट्रा कवर है, कवर है, लॉन्ग ऑफ है, मिड विकेट है। कट करने की कोशिश या कवर के ऊपर से गेंद जाती हुई एक रन लेने की कोशिश। काफी अच्छी फील्डिंग बाबू भाई वाह दिखाते हुए। कंपल्सरी चेस है, इन रनों का पीछा आपको करना है। या अब तीन गेंदे, तीन गेंदे बची है, दो रन याद करने हैं। बल्लेबाज स्ट्राइकर रेन पे, बल्लेबाज जिन्होंने शानदार सिक्सर लगाया है वो अब स्ट्राइकर रेन पे आए हैं। क्या मुन्ना इस मैच को बचा पाएंगे या बल्लेबाज जीत का परचम लहराएंगे, लहराएंगे जीत का परचम लहराया है। मीर स्ट्राइकर बने हैं चैंपियन, चैंपियन, चैंपियन।